हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन की ग्रेवी, जिसमें मैंने चिकन मसाला बिल्कुल यूज़ नहीं किया है और इसे पूरे ही देसी स्टाइल में बनाया हुआ है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये रेसिपी। तो सबसे पहले हम लेंगे 700 ग्राम चिकन और इसे अच्छे तरह से धोकर साफ़ कर लेंगे। इसके बाद हम लेंगे 7 से 8 प्याज और इसे हम बारीक काट लेंगे। 3 लहसुन, 1 टमाटर और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 5 से 6 चम्मच सरसों का तेल, हल्दी और नमक। साथ ही हम लेंगे 2 तेज पत्ता और 4 से 5 सूखी लाल मिर्च। इसके बाद हम लेंगे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और काली मिर्च पाउडर। तो सबसे पहले हम एक बर्तन में लेंगे सरसों का तेल। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हम उसमें डालेंगे तेज पत्ता, इसे मिला लें। और इसके बाद हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च, अच्छे से मिला लें। इसके बाद हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे फुल फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए प्याज और इसे 5 मिनट तक फुल फ्लेम पे इसी तरह हम पकाएंगे। ढक्कन लगा दें और बीच बीच में इसे चलाते रहें, ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो आप देख सकते हैं कि 5 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें प्याज को और भी सॉफ्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 कप पानी डालने के बाद हम कुकर में लगाएंगे ढक्कन और 2। अब आप देख सकते हैं कि प्याज पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुका है और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे चिकन के पीस। और इसे 5 मिनट तक फुल फ्लेम पे इसी तरह से पकाएंगे। ढक्कन लगा दें और बीच बीच में इसे अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर और नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक डालने के बाद चिकन सॉफ्ट होने लगता है और उसकी पानी निकलने लगती है, यानी कि चिकन पानी छोड़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चिकन पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 लहसुन, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सारा मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और ब्लैक पेपर, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें, ढक्कन लगा दें और फुल फ्लेम पे हमें मसाले को अच्छी तरह से पकाना है। बीच बीच में चलाते रहें, ध्यान दें कि मसाला जले नहीं। आप इसमें जो चिकन की ग्रेवी देख रहे हैं, इसे पूरी तरह से हमें सुखाना है। आप देख सकते हो कि चिकन का ग्रेवी सूखने लगा है और मसाला भी पकने लगा है और इसकी खुशबू भी अच्छी तरह से आ रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी ग्रेवी को पूरी तरह से सुखा दिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 कप गर्म पानी ऐड किया हुआ है, आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। ढक्कन लगा दें और कुकर में 1 सीटी लगने दें। इसके बाद कुकर का प्रेशर निकल जाने दें। जब कुकर का प्रेशर निकल जाए तो आप ढक्कन खोल के देख सकते हैं कि चिकन पूरी तरह से बनके तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, हमारा चिकन बनके तैयार हो चुका है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।